हारमोनियम सीखने के हमारे इस पांचवें लेसन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पांचवें अलंकार के लिए सही फिंगर पैटर्न क्या है, कि कैसे आप सही फिंगर्स को यूज करके इस पांचवें अलंकार को बजा सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करेंगे यहाँ से सा रे गा मा पा, उसके बाद रे गा मा पा धा, उसके बाद गा मा पा धा नी। अभी इसमें देखिए नी पे ये उंगली यूज हो रही है, देखिए मा पा कैसे था, गा मा पा धा नी, उसके बाद मा पा धा नी सा, सेम इसी तरीके से वापस आएंगे सा नी धा पा मा, उसके बाद नी धा पा मा गा, उसके बाद धा पा मा गा रे, उसके बाद फिर पा मा गा रे सा। अभी इसी एक्सरसाइज को फ्लो में कैसे बजाएंगे, पहले बिल्कुल स्लो स्पीड में इसको गा के बजा सकते हैं और बिना गाए भी बजा सकते हैं, अगर वोकल की तैयारी करें तो साथ में गा के बजाएंगे। अलंकार बजाने का सही तरीका और गा के कैसे बजाना है, ये सही तरीका और सही फिंगर पैटर्न है। फिर धीरे धीरे इसको फास्ट करिए, ये हो गया थोड़ा मीडियम से, फिर इसको और फास्ट करिए धीरे धीरे, मतलब कि हर एक अलंकार को कम से कम 2 से 3 वेरिएशन में बजाया करिए और अलग अलग टेम्पो में बजाइए। जैसे पहले स्लो स्पीड में उसको कम से कम 20 बार बजाइए, स्लो स्पीड में आपका हाथ बैठ जाए, देन उसकी फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए यानी मीडियम स्पीड, जैसे मैं अभी ये जो मैंने गा के बजाया ये मीडियम स्पीड है, एक मीडियम स्पीड है। फिर इसके बाद फास्ट कर दिए थोड़ा, अभी फास्ट स्पीड में देखिए सारे गामा पारे गामा पाधा गामा पाधनी मा पाधनी सा सारी धापा मानी धापा मागा धापा मागरे पामागरे सा। सो इस तरीके से आप अपने फिंगर्स को सेट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप सही एक्सरसाइज को सही फिंगर पैटर्न के साथ नहीं बजाएंगे आपका हाथ नहीं बैठेगा। दूसरी चीज़ है कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मेरे को पॉज कहाँ पे लेना है, जैसे ये अलंकार है आपको सांस लेने में दिक्कत हो क्योंकि ये 5 स्वर है, तो हमेशा कोशिश करिए कि 5 स्वर के बाद पॉज लेना, जैसे कि सा रे गा मा पा यहाँ पे पॉज ले सकते, सांस निकाल सकते, रे गा मा पा यहाँ पे सांस निकाल सकते, गा मा पा यहाँ पे सांस निकाल, या फिर आप पूरा बजा के सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा रे मा पा धा नी सा, यहाँ पे सांस निकाल सकते, सेम इसी तरीके से सा रे धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, फिर सांस निकाल लीजिए, फिर इसी तरीके से आगे आगे वाला अलंकार बढ़ सकते। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप पांचवें अलंकार को कैसे सही तरीके से गाया जाएगा, कैसे बजाया जाएगा, सही फिंगर पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।